किसी ने अपना अपना डिनर कर लिया है और उसने कुछ ज्यादा खाया है और अपने जैसे कि बॉडी देखा उसका, हम लोग चोरी करने का प्लान बना रहे हैं। कल हमें हमारा होम स्टे मिल चुका है और बहुत ही सुंदर है हमारा होम स्टे, हमें सस्ता में मिल गया और वी रेकमेंड टू कम। हाँ, रेकमेंडेड रहेगा कि आप यहाँ आए क्योंकि और हम लोग अपने होटल नहीं क्या बोलते हैं रूम में होम स्टे में पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ से बाहर जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से बाहर क्या करने जाएंगे बता दो। हाँ, हम लोग क्या करने जाएंगे बाहर? थोड़ा पेट पूजा करने, पेट पूजा करने, आसपास के इलाके छान मारेंगे, उसके बाद सनसेट देखेंगे फिर वापस। ओके देन, अभी मैं आप लोगों को अपना एक छोटा सा रूम टूर कराता हूँ, तो लेट्स गो। ये है 4 बेड वाला रूम, आपको 4 बेड के साथ यहाँ चेयर्स भी मिलेंगे, यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल है चार्ज करने के लिए, बोर्ड भी है, फैन, 2 फैन है जिसका तो यहाँ यूज है नहीं, खिड़की से अच्छी हवा आती है, और एक टेबल है और वुडन टेबल दिया गया है, और एक प्लास्टिक टेबल है, उसके साथ एक अटैच बाथरूम भी है। यहाँ पे बाथरूम काफी ठीक है, बड़ा है, लेकिन गीजर नहीं है, गीजर शायद खराब हो गया है क्योंकि और 2 जो रूम है उनमें गीजर दिया गया है, और यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ का गीजर खराब हो गया है, इस वजह से अभी हटा दिया है, और रूम काफी बड़ा है। अगर आप यहाँ आओगे, और हम लोग यहाँ केवल 6 कोई रुके थे 4 बेड में, लेकिन भी जगह दो कोई के लिए जगह आराम से बन जाएगा अलग से, तो 6 8 कोई आप लोग आराम से रुक सकते हैं, और जो प्राइस है वो अप डाउन होते रहता है सीजन के हिसाब से, तो अभी का जो हम लोग अभी अक्टूबर में आए थे, अक्टूबर नवंबर मतलब अक्टूबर लास्ट में आए हम लोग, तो क्योंकि अभी थोड़ा जो नेत्रहाट का जो मौसम उसे और भी सुंदर बना देता है, फॉगी वेदर और हल्की हल्की सी ठंड से थोड़ा अलग ही, क्योंकि नेत्रहाट हर सीजन में कुछ नया दिखता है, कुछ अलग दिखता है, तो बस बहुत जोर से भूख लग रहा है लेकिन खाने के लिए नहीं मिल रहा है अभी तक, तो अपना खाना आ चुका है, खाते हैं जल्दी से, आप क्या ही देखिएगा, हम लोग खाते हैं, बहुत जोर से भूख लग रहा है लेकिन भूख नहीं लग रहा है निखिल। अरे सब्जी आने दे रहे भाई, खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोग से। तो खाना होना खाना हो गया है, अब हम लोग निकलते हैं। अगर आप लोगों को खाना खाना होगा तो आप लोग यहाँ पे पीछे मेरे देख सकते हैं, इधर आ सकते हैं, सस्ता है, बहुत सस्ता में 50 रुपये प्लेट में आप लोगों को बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा, और अंडा वंडा बनवाना चाहते हैं तो अलग से उसका लगता है। तो अभी हम लोग फिर खाना खा लिए, अब हम लोग सनसेट पॉइंट पे मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या करेंगे, तो अभी पहले सनसेट पॉइंट पे जाते हैं।
रहा सनसेट पॉइंट, और यहाँ पे कुछ स्टोरीज भी हैं जो मुझे नहीं मालूम अच्छी तरह से, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। और मेरे साथ मेरे दोस्त। सनसेट हो चुका है और पूरा सब कोई चल गया लग रहा है, धीरे धीरे फिर हम लोग भी चल जाएंगे। सनसेट हो चुका है पूरा, तुम देख लो बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़, बहुत बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। हम लोग चोरी करने का प्लान बना रहे हैं, पर हल्की हल्की ठंड है और हम लोग फिर से अपना रात का डिनर करने के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर हम लोग चौक के पास आए सुबह में, हम लोग जब हाँ जहाँ हम लोगों ने अपना लंच किया था वहीं पे हम लोग दोबारा अपना डिनर करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सुबह का जो लंच था वो बहुत ही टेस्टी था। इसलिए आप लोग भी आइएगा। तो यहाँ पर जो नेत्रहाट का बाज़ार है शायद वहीं पे आप लोग भी लंच डिनर जो भी करना चाहे कर सकते हैं। और ये है वो मार्केट छोटा सा, और अभी दिखाते हैं दुकान। और ये अपना रात का डिनर आ चुका है और हम लोग रात में रोटी और भुजिया मंगाए हैं, और बहुत ही टेस्टी है। तो खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके, दिन हम लोग अपना रात का डिनर करके आ चुके हैं और सब कोई सब किसी ने अपना अपना डिनर कर लिया है और उसने कुछ ज्यादा खाया है अपने जैसे कि बॉडी देखा उसका, उसने कुछ ज्यादा खाया है। सब डला है। और अभी अभी मेरे ख्याल से 10 बज रहे हैं तो सोने का वक्त हो गया। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।